महाराज जी का आसन। बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, 3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है। इसलिए दोस्तों अभी से देखो भक्तगण आ गए, अपना जगह रखना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। बारिश की वजह से काम भी रुका हुआ है, लाइट पंखा सब लग रहा है यहाँ पास। अभी पूरा पानी भर आ गया है क्योंकि ढाल इधर ही से बना हुआ है दोस्तों। इसका कलश यात्रा का भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसका कलश कार्य ऐसा होगा, सुबह 7 बजे से आना होगा और रात को पता नहीं कब तक जाए। महाराज जी का हेलो दोस्तों, केकेएम ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सबको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज है 23/7/2024, तो आज मैं जा रहा हूँ जयंती स्टेडियम, क्योंकि 2 दिन पहले गया था वहाँ का जो विशाल पंडाल बन रहा था तो आधा अधूरा बना था, मतलब अभी बहुत काम बाकी था, अचानक से कथा मिला है तो आज जाऊँगा और देखता हूँ आज कितना सारा काम हुआ और क्या क्या बचा है वहाँ। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से पूरा देखने को मिलेगा और कलश यात्रा कब है, कितना बजे है, तो सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, मेरे चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको, ठीक है दोस्तों। और अभी सावन का माह चल रहा है, बारिश डेली हो रहा है, अभी भी हल्का बारिश हो रहा है, तो देखता हूँ बारिश जैसे छोड़ेगा तो फिर जाऊँगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जयंती स्टेडियम भिलाई में हो रहा शिव महापुराण कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र महाराज जी का, और इसका आयोजन है बोलबम समिति और सेवा कल्याण समिति की ओर से किया जा रहा है। तो वहाँ चलते हैं, विशाल पंडाल कितना अभी तैयार हो गया, क्या क्या बचा है, तो आप लोग को पूरा वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इसका पार्किंग स्थल कहाँ है, क्या क्या नियम बनाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या आता है, लाखों में भक्तगण रहते हैं, तो भीड़ ना हो और किसी प्रकार का किसी को नुकसान ना हो, तो इस सब सारी सुविधा देखते हुए सब पुलिस वाले लोग भी, मतलब ना ट्रैफिक नियम बहुत सारा बनाया गया, पार्किंग का अलग अलग स्थान दिया गया चारों तरफ, मतलब रास्ता यहाँ पूरा खुला जगह है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा 10-15 लाख तो व्यक्ति आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं स्टेडियम में और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं अभी तैयार हो गया हूँ, रूम से निकलता हूँ दोस्तों। मैं थाने में पहुंच गया स्थल के पास और यहाँ का माहौल देख सकते हो, ये मेरा तूफान एक्सप्रेस और बारिश और बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और देखो ये राइट साइड का ना पंडाल है, बीच वाला है उधर भी, तीनों पंडाल बनना स्टार्ट हो गए, बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है देख सकते हो। और देखो पूरा ये मुरुद जगह है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अगर मिट्टी वाला होता तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। और यार देखो पूरा वॉलंटियर वगैरह आ गया है और यहाँ का माहौल देख सकते हो, ये बीच वाला डोम लगभग कंप्लीट होने वाला है, बहुत बड़ा डोम बन रहा है और ये आइड साइड वाला बचे अभी, और ये देख सकते इधर भी सामान है पूरा माइक वगैरह सब बन रहा है। और ये पूरा बन रहा है अभी महाराज जी का आसन। बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, 3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है। इसलिए दोस्तों अभी से देखो भक्तगण आ गए, अपना जगह रखना स्टार्ट कर दिया है और ये पूरा नली बनाया गया है पूरा बारिश का पानी निकलने के लिए। और ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा, पूरा वारंटियर लोग सब आए हैं, पूरा देखो पूरा कीचड़ हो गया भाई पूरा बारिश की वजह से। और ये देखो भक्तगण अभी से आना स्टार्ट हो गए और काम अभी चल रहा है चारों तरफ से, और महाराज जी का आसन भी लगभग कम्प्लीट होने वाला है। ये यहाँ से बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे हैं महाराज जी का आसन को। दोस्तों बारिश की वजह से काम भी रुका हुआ है, लाइट पंखा सब लग रहा है यहाँ पास। अब देखो पूरा पानी भर आ गया है क्योंकि ढाल इधर ही से बना हुआ है। अब देखो भक्तगण अभी आके यहाँ रुकना स्टार्ट कर दिए हैं। और देखो वहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, इसका डेकोरेशन देख सकते हैं पंडाल को, बहुत मस्त डेकोरेशन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो सब डोम पूरा लास्ट तक जा रहा है, मतलब पिछले बार जो बना था उससे डबल बन रहा है, अभी बनना ही चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा डोम है ये देख सकते हो, पूरा लास्ट तक जा रहा है, उधर का भी बन गया है और बीच वाला लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस पर्दा वर्दा डालना बचा है, बाकी ऊपर का बन गया, प्लेट डल गया है। और देखो बहुत बड़ा, मतलब पिछले बार से डबल बन रहा है विशाल, और बहुत कम टाइम में, मतलब 1 सप्ताह पहले टाइम में बन रहा है, बताओ 1 सप्ताह पहले ही यहाँ डिसाइड हुआ था, 18 तारीख को भूमि पूजन हुआ और तुरंत बन रहा है, बताओ 1 सप्ताह के अंदर इतना बड़ा डोम बना है। तो दोस्तों इसका कलश यात्रा का भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका कलश यात्रा है कल सुबह 10 बजे से लेकर स्टार्ट होगा और वो चलेगा सेक्टर 5 से निकल कर जयंती स्टेडियम पहुँचेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ का लोकेशन,
और आप लोग कथा सुनने जरूर आइए, क्योंकि इसका कथा 25 जुलाई 2023 तक है और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हो यहाँ का माहौल और सब वॉलंटियर लोग आए हैं, पूरा सब पर मीटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़, सब वॉलंटियर लोग आए हैं। तो अरे देखो सब का अलग अलग व्यवस्था किया गया, भोजन वोजन जल का, लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, उधर भी देख सकते हो आप। पूरे मन से सेवा देना चाहते हैं, वही वॉलंटियर का कार्य करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बहुत मस्त डेकोरेशन बनाया है, कार्ड बनाने के बाद बैठ करके कथा होने लगी। अरे बीच में पर अच्छा से तो बनाया जा रहा है, देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, मस्त। दोस्तों देखो ढाल इधर ही, तो पानी इधर ही से बह रहे हैं पूरा, और जा रहा हूँ उधर, यहाँ मीटिंग चल रहा है पूरा वॉलंटियर लोगों का, देखो सब वॉलंटियर यहाँ पहुँचे हैं, सबको बता रहा है कि कैसे करना है, सब तक पूरा डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन चलते फिरते सुनेंगे, हम पंडाल में बैठ करके कथा नहीं सुनेंगे, और एक भी 50 लोगों की या 60 लोगों की एक टीम ऐसी रहेगी जो वॉलंटियर्स को ही चेक करेगी, ये भी मैं बता देता हूँ, जो वॉलंटियर बैठ के कथा सुनता पाया जाएगा तो फिर वो आपका वॉलंटियर जो कार्ड होगा वो दे दीजिए, पूरा मत मानिएगा कि हमारा वॉलंटियर का कार्ड ले लिया या हमसे दुर्व्यवहार किया, आप कुछ दे दीजिए, आपको कथा सुनना है, क्योंकि वॉलंटियर का कार्य ऐसा होगा, सुबह 7 बजे से आना होगा और रात को पता नहीं कब कर जाए, कोई कन्फर्म नहीं है टाइम का, ये सारा चीज़ें सोच करके आपने आपको वॉलंटियर के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सुबह 7 बजे आना है और रात में आप कब जाएंगे घर पता नहीं, क्योंकि कल कलश यात्रा आप सभी को पता है, आप सभी को अपने घर से अपना कलश तैयार करके लेकर के आना है, ये बात पता है ना, अपना कलश तैयार करके लेकर के आना है सुबह 9 बजे तक, यानी हाँ सेक्टर 5 गणेश मंदिर पहुँच जाना है, वहाँ से कलश यात्रा चालू होगी जो यहाँ पंडाल तक आएगी, उस कलश यात्रा के बाद वॉलेंटियर जो होंगे वो आप लोग के वॉलेंटियर आपको आपका कार्ड मिल जाएगा, ड्यूटी अभी भी फाइल हो जाएगी, जो बची रहेगी वो कल तक डिसाइड हो जाएगी कि ड्यूटी किसको कहाँ करनी, कौन सा ग्रुप किस जगह पर किस लोकेशन को ड्यूटी देगा, इतना बड़ा पंडाल है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन किस जगह पर किस क्षेत्र में अपनी ड्यूटी देगा वो कल तक डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद कल की बैठक मतलब 25 तारीख की जो बैठक है वो कल होगी, कल किसको कहाँ ड्यूटी करनी है, उसके बाद 26 तारीख की जो कथा की ड्यूटी होगी वो 25 तारीख को होगी, तो हम लोग हर दिन यहाँ बैठक करेंगे, ये ध्यान रहे आप, यहाँ कथा खत्म होगी उसके बाद हम बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद अगले दिन की कथा के बारे में डिसाइड कर देंगे कि अगले दिन कौन कहाँ ड्यूटी करेगा, फिर घर जाएंगे, फिर उस दिन की कथा होने के बाद फिर शाम को बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे आपस में, सबको बताया जाएगा कौन कहाँ ड्यूटी करेगा, किसी में कुछ कमी किसी का कुछ कचरा उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कि हाँ आपके ग्रुप में, और हम लोगों ने सोचा है अगर दोस्तों सारे वॉलंटियर तो सबको समझा रहा है कि एक सप्ताह तक क्या करना है, सबको अलग अलग दिया जाएगा, किसी को भोजन का, किसी का जल का, किसी का और मतलब सबको अलग अलग दिया जाएगा, और पानी और तेज़ बढ़ रहा है, देखो बहुत ज़्यादा घाट, तो यहाँ पूरा मीटिंग चल रहा है वॉलंटियर लोगों का, ये देख सकते हो, तो समझा रहा है, और कल कलश यात्रा है सुबह 10 बजे से गणेश मंदिर के पास, और ये देखो यहाँ पास है, ये बढ़ रहा है पंडाल, बहुत बेहतरीन बात है महाराज जी के आशीर्वाद। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे दोस्तों, हर हर महादेव, महाराज जी का याद, बलवंत का नारा है, बलवंत का नारा है। देखिए आप सभी माताएं बहने और हमारे बड़े भाई छोटे भाई, आप सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं एक सेवा की भावना से, ये बहुत ही खुशी की बात है, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम समय में ये कथा का आयोजन हो रहा है। दोस्तों फाइनली मैं रूम आ गया, तेज बारिश होने के कारण मैं अच्छे शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था,
और वहाँ का हाल तो देखा होगा आपने वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल दिखाया हूँ, और जितना हो सकता मैं शूटिंग भी किया और आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाया हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और मेरा कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया और फिर रूम आ गया। और आपने देखा होगा कि वहाँ के समिति के सदस्य वॉलंटियर लोगों को पूरा समझा रहा था कि एक सप्ताह तक क्या क्या करना है, किस किस को क्या काम दिया जाएगा, मतलब पूरी डिटेल जानकारी दे रहा था। वॉलंटियर का भी डेली मीटिंग हो रहा है क्योंकि वे जानते हो बहुत बड़ा एक आयोजन है शिव महाप्राण कथा, क्योंकि लाखों श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और अभी से भी वहाँ भक्तगण आ गए। आप लोगों ने वीडियो में तो मैं दिखाया हूँ पूरा, वहाँ अपना चादर कपड़ा बिछा के रख ले, मतलब अभी समझो 3 दिन टाइम है। और कल बात करते दोस्तों कलश यात्रा की, तो कल है कलश यात्रा, मतलब आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन है कलश यात्रा। तो कलश यात्रा है 24/7/2024 को सुबह 10 बजे सेक्टर 5 गणेश मंदिर से निकलेगा, वो जयंती स्टेडियम तक आएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी आइए और कलश यात्रा में शामिल हो जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पास एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बोलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों फाइनली ये आसन देख लिया पूरे, यहाँ पर आसन यहाँ से निकलता हूँ और ये देखो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है और बारिश बहुत तेज होने के कारण बहुत शुभ बारिश है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कलश यात्रा का टाइम एक बार पूरा बता दें, कल गणेश मंदिर सेक्टर 5 से 10 बजे सुबह निकलेगा और जयंती स्टेडियम तक आ जाए। ठीक है दोस्तों।